पहले गरीबों के पेट की हाय भी सुनी है सरकार ने, किसी खाएगी क्या पब्लिक? सरकार तो बड़े बड़े दावे कर रही है। क्या दावे कर रही है? क्या सरकार ने दिया है? रोड बनवाए हैं, वो पार्क बनवाई है, पुल बनवाए हैं। गरीब लोगों को कुछ पूछा है कि सरकार ने कभी? राशन नहीं चाहिए, कल राशन बंद कर दे सरकार। मेरा धंधा चाहिए, मुझे धंधा चाहिए है, जब फ्री का राशन नहीं चाहिए है। ये 1,500 रुपए डाल के खाते मुझे नहीं चाहिए, मुझे धंधा चाहिए है। और केजीएन इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है, मैं खान रिपोर्टर शाहजहांपुर। और काशीराम कॉलोनी में जिस समय बुलडोजर पहुंचा उस समय कॉलोनी वासी निकल पड़े और गुस्से के मारे कॉलोनी वासियों ने बुलडोजर को घेर लिया, कहा नहीं चलने देंगे। बाखूबी नजारा हम आपको दिखा रहे हैं काशीराम कॉलोनी बरेली मोड़ का। यहां पर यह शिकायत थी कि अतिक्रमण हो रहा, लोगों ने खोके रख लिए, लोगों ने दुकानें खोल ली, लेकिन जब नगर निगम की टीम पहुंची अतिक्रमण हटाने के लिए तो महिलाएं सामने आ गई। उनका ये कहना था कि अगर यहां दुकानें नहीं होंगी तो बच्चे सौदा कहां से लाएंगे, जवान जवान बेटियां बरेली मोड़ पर थोड़ी जाएंगी सौदा लेने के लिए, और यहां पर दुकानें होंगी, दुकानें रहेंगी, जिससे बच्चे भी वहीं पर से सौदा लेंगे और जवान बेटियां भी वहीं पर से सौदा लेंगी। लेकिन नगर निगम की टीम ने एक नहीं सुनी। उधर लोगों का ये भी कहना था कि जो क्वार्टर जो पात्र हैं उनको क्वार्टर नहीं मिल रहा, जो उनके पास मकान भी है सब कुछ है उनके क्वार्टर है, लेकिन किराए पर उठा दिए 1,500 से 2,000 रुपए महीना, उन पर कार्रवाई नहीं करी गई, उन क्वार्टरों को नहीं छुड़ाया गया और जो पात्र हैं उनको नहीं दिलाया गया। लेकिन बुलडोजर किस पे चलाया? उन दुकानों पर जहां पर पॉप्स टॉफी चॉकलेट मिलती है और जो बच्चे आकर लेते हैं, लेकिन बुलडोजर चला दिया गया उन चीजों पर। महिलाओं का ये कहना था कि हम ये नहीं होने देंगे। आखिर काफी जद्दोजहद हुई, लेकिन जबरदस्त तरीके से महिलाओं ने सरकार के साथ साथ जिला प्रशासन को लिया और योगी सरकार की जमकर धज्जियां उड़ाई। किस अंदाज में विस्तार से आगे हम दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले जिस समय बुलडोजर पहुंचा काशीराम कॉलोनी के अंदर वहां पर किस तरीके की गहमा गहमी हुई पहले वो देखिए। उसके बाद में बामुश्किल 2 दिन का समय दिया नगर निगम की टीम ने, अपना अतिक्रमण हटा लो अन्यथा जेसीपी चला देंगे। लेकिन इस बीच कितनी जद्दोजहद और कितनी घमासान और किस तरीके की तूतूमे में हम आपको विस्तार से दिखाते हैं। बात करा मैं तुमको, हम ध्यान दे तुम हमारे बात ये हम तो कैसे भी लगाया, उसने मेहनत करके लगाया। दुकानें दी हम लोगों को, आप दुकानें तोड़ रही क्या करेंगे? सरकार तो बड़े बड़े दावे कर रही है। क्या दावे कर रही है? क्या सरकार ने दिया है? रोड बनवाए हैं, वो पार्क बनवाई है, पुल बनवाए हैं। गरीब लोगों को कुछ पूछा है कि सरकार ने कभी? हालांकि काशीराम कॉलोनी वासियों को इतना गुस्सा फूटा, महिलाओं का ये कहना था मुझे राशन नहीं चाहिए, मुझे भीख नहीं चाहिए, मुझे 1,500 रुपए नहीं चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए। क्या कुछ कहा आप खुद ही सुनिए। राशन नहीं चाहिए, कल राशन नहीं चाहिए, कल राशन नहीं चाहिए, कल राशन बंद कर दे सरकार मेरा।
मुझे धंधा चाहिए है, जब फ्री राशन नहीं चाहिए है। ये 1,500 रुपए डाल दे खाते मुझे नहीं चाहिए, मुझे धंधा चाहिए है। ये 1,500 रुपए डाल दे खाते मुझे नहीं चाहिए, मुझे धंधा चाहिए है। ये 1,500 रुपए डाल दे खाते मुझे नहीं चाहिए, मुझे धंधा चाहिए है। ब्याज पे रुपया लिया, किसी ने कैसे पैसा लिया, दुकान करेंगे हम लोग, पैसा कहां से करेंगे? अरे भैया गेहूं चावल धोए जावेगा, छोटे छोटे ये बच्चे हैं, हम इनाम कर देंगे, बांट के चावल बांट के मां जाएंगे भाई। अब वो पैसे धंधा करो, बंद कर दिया मैंने, अपना मैं कहां से करूंगा? कोई सोचना मुझे नहीं दी गई है, सरकार तरफ से किसी दुकान में तोड़ी जाएगी। हमारी छोटी दुकान है, पर तुमने ये आप लोगों की 800 रुपए। अच्छा आपके बच्चों को उसी से धंधा चलता होगा? हां धंधा चल गया, उड़ जाता है। अब फिर मैं नहीं करूंगा, बुड्ढे आदमी जाएगी यहां से, ऐसा सोच लिया था सरकार ने, अगर जब बात सुना जाएंगे सब जाएंगे, एक तरफ से सब जाएंगे। और अब हम सुनवाएंगे काशीराम कॉलोनी वासियों का ये कहना। एक तो दिक्कतें आ रही हैं, क्वार्टर चू रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है, और उसके बाद अगर माता के नाम अलॉटमेंट था और माता मर गई तो उसके पुत्र को परेशान किया जाता है और पुत्र से कहा जाता है कि अपना पट्टा कराओ। उन लोगों का ये कहना है जिन लोगों ने 2,000 रुपए महीने पर उठा दिया है, अवैध रूप से कार्य किया जा रहा है, उनके लिए कोई भी कानून नहीं। क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुनिए। हमारा मनोज कुमार कटियार। मनोज, किस तरीके की यह दिक्कतें आ रही हैं आपको रहने में? क्या बात, बहुत ज्यादा है यहाँ पे, ऊपर से पानी चूरा कमरों में, शिकायत करो कोई देखने वाला नहीं, ऊपर वाला कहता हमें क्या करें, अपने आप सीमेंट लगा लो, पीछे वो लेटरिन के टैंकर भर जाओ, दो पैसा दो। अच्छा ये सुना जा रहा है कि जो पात्र हैं इसके, जिसकी माँ या दादी मर गई है, उसके परिवार को निकाला जा रहा है, ऐसा कुछ है? उन्हें बहुत ज्यादा जो लोग परेशान कर रहे हैं, नोटिस लगा जाएंगे, उसका लिखित में सब कुछ देने जाते हैं सतीश मिश्रा जी के पास। अच्छा। वो लेते नहीं, वो कहते कुछ नहीं होगा, ले जाओ। वहाँ 2-3 बार गया, डीएम साहब को दिया, खन्ना जी को दिया हमने, और संतोष भाई साहब जो हैं आपके, उन्हें भी दिया है, उनके बाद अंगद भाई साहब हैं उन्हें भी दिया है, उसके बाद भी लोग परेशान कर रहे हैं, तो हम कहते हैं निकालना, निकाल दो भैया। क्या है भैया, क्या है? एक आदमी का 5-5 पट्टी है कानूनी, 5-5 उन्हें नहीं देख रहा है। अच्छा ये भी शिकायत है कि कुछ किराए पे भी उठ रहे हैं, आधी कॉलोनी किराए पर है, किराए पे उठ, आधी कॉलोनी किराए पर उठी हुई है, लेकिन उसको कोई नहीं परेशान कर रहा है, और जिन लोगों बाकी पट्टे धारक है उन लोगों को परेशान करा जा रहा है, उनका अलर्ट कर दिया जाए, क्योंकि मकान मालिक की जरूरत नहीं, तभी तो किराए पे दे रखा है। 1,000 रुपए लोग वसूल रहे बारिस्तान के नाम पे, बारिस्तान बनाते नहीं है और पैसे ले जा ले जा के ले जा रहे हैं, किराया ले रहे हैं यहाँ बारिस्तान के नाम पे, पता है कितने रुपए ले चुके हमसे भी, ले गए अभी तो बना नहीं, 3 महीने हो गए, जांच करानी चाहिए। और जो सही अच्छा, आज क्या हो रहा है? आज ये आधे बता के तोड़ा जा रहा है इन लोगों, ये अवैध बता के तोड़ा, हाँ अवैध बता, अरे हम ये कर रहे हैं अवैध, अवैध सड़कों पे भी बहुत है अवैध दुकानें, तोड़ो ना पहले यहाँ, गरीब आदमी क्या तोड़ा, कोई रखे हुए है तो उसके भी बच्चे क्या खाएंगे, यहाँ तो गरीब है, उनको कम से कम उसको अगर समय दिया जाए, और नहीं समय दिया जाए तो उनको बताया जाए, बोलो उनके बच्चे क्या खाएं। अच्छा ये बताइए कोई नोटिस वगैरह आपको दिए गए? कोई नोटिस नहीं दिया गया है, इससे पहले ना तो बताया गया है, और आकर जो है जेसीबी से सारा का सारा सब जो है तोड़ फोड़ दिया लोगों का। क्या चाहते हो आप? अरे कम से कम उनको यहाँ जो सरकारी दुकानें बनी है, कम से कम या तो सरकारी दुकानें उनको अलॉटमेंट दी जाए, और नहीं दुकानें दी जाए तो प्रशासन को उनके लिए दुकानें एक तरफ बनवाई जाए, जो भी काशीराम कॉलोनी जगह पड़ी हुई है उसमें उनको जो है दुकानें बनवा कर उनको व्यवसाय के लिए दी जाए। इस समय जो निर्माण आपने जो अतिक्रमण रुका हुआ है, आपने रोका है या टाइम दिया है? नहीं उसको तो रोका है हम लोगों ने, उसका जो है समय देना चाहिए, हम लोगों को नोटिस देना चाहिए। जो बात हुई है, क्या बात हुई है, अब ये अतिक्रमण चलेगा या रुकेगा? उन्होंने सिर्फ 2 दिन का टाइम दिया है कि 2 से 3 दिन में आप अपना हटा लीजिए, उसके बाद चलेगा अतिक्रमण होगा। अब इस समय रुक गया, अब इस समय रुक गया है, नगर आयुक्त साहब से भी बात हुई और मतलब नगर मजिस्ट्रेट साहब से भी बात हुई, उन लोगों ने कहा है कि 2 दिन का टाइम दे करके अपना हटा लीजिए, उसके बाद हम लोग कर सकते हैं। So friends, if you want to see these kind of facts in future, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell icon.